असुर, दैत्य, दानव और राक्षस, आपको ये सब एक ही लगते हैं ना, परंतु इनके बीच भी अंतर होता है। चलिए जानते हैं। असुर यानी जो सुर अर्थात देवता नहीं है। दैत्य, दानव और राक्षस सभी असुर हैं, मतलब एक ही परिवार की अलग अलग शाखाएं हैं। वास्तव में देवता भी इसी परिवार का हिस्सा हैं। महर्षि कश्यप के साथ दक्ष की अलग अलग पुत्रियों के विवाह के फल स्वरूप ये अलग अलग परिवार जन्मे थे। महर्षि कश्यप के साथ अदिति की 12 संतानें आदित्य अर्थात देवता कहलाए, वहीं दिति के साथ उत्पन्न संतानें दैत्य कहलाए। ये देवताओं के बड़े भाई थे। दक्ष की पुत्री दनु से जो कश्यप जी की संतानें हुई वो दानव कहलाए। ये आकार में बहुत बड़े होते थे। और सुरसा नाम की कन्या से कश्यप जी की जो संतानें हुई वो राक्षस कहलाए। ये असुरों में सबसे विद्वान परिवार होता था। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण इसी कुल के ही थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।